हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर ऑफ फोटो पाठशाला। लास्ट टू चैप्टर्स में हम लोगों ने फिलिप्स के टी बल्ब से शॉट्स लिए। नाउ दिस चैप्टर, इसमें भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं। फिलिप्स का टी बल्ब से ही हम लोग एक विस्की की बॉटल का शॉट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक स्टेप फर्दर है उस वाले पिछले एपिसोड से, क्योंकि आज हम लोग लाइट वंस अगेन एक ही यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उसको हम लोग लाइट की पोजिशन चेंज करके तीन चार डिफरेंट शॉट्स लेंगे और बाद में उसको फोटोशॉप में कॉम्पोजिट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जो बॉटल हम लोग शूट करने वाले हैं वो है ये बैक बेंचेस की विस्की बॉटल। अब इसका लेबल पे ध्यान दें तो आप देख सकते हो ये जो बी प्रिंटेड है, इसका जो लोगो है वो है सिल्वर मेटालिक में, मेटालिक कलर है, रिफ्लेक्टिव है, बहुत शाइनी है। हम लोगों को शूट करते टाइम इसका ध्यान रखना है कि ये अपने शूट में दिखे कि ये सिल्वर है। और सेकंड चीज़ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ इसके साइड में ये जो ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग भी मैं दिखाना चाहता हूँ। सो हम लोग ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कैमरे में ना लेके थोड़ा सा एंगल पे रखेंगे, सो दैट ये जो ब्रांडिंग साइड की है ये भी विजिबल हो फोटो में। ओके दोस्तों, ये अपना कैमरा आ गया, यहाँ पे अपनी बॉटल आ गई और ये जो नीचे का बेस है ये एक प्रिंटेड बैकड्रॉप है। सो चलिए पहली लाइट एडजस्ट करते हैं। पहली लाइट मैं जो देने जा रहा हूँ इस साइड के लिए है, एम्बिएंट लाइट मैंने ऑफ कर दिया सारी। ओके फ्रेंड्स, मेरी पहली लाइट रेडी है और ड्रेसिंग पेपर आ गया, और ड्रेसिंग पेपर से करीब 3-3.5 फीट का डिस्टेंस है अपना लाइट और ड्रेसिंग पेपर का। और इस वाले शॉट से हम लोग सिर्फ ये वाला एरिया लाइट अप करने जा रहे हैं, बाकी एरिया आप इग्नोर कीजिए। और आप देख सकते हो लाइट मेरे इस एरिया पे ही हिट कर रही है। सो लेट्स टेक ए शॉट। आई थिंक शॉट सही है दोस्तों। इस पूरे फोटोशूट के सेशन में हम लोगों को अपना कैमरा सेम जगह पे रखना है, बिल्कुल मूव नहीं करना। कैमरा मैनुअल फोकस पे होना चाहिए, प्रोडक्ट एज इट इज होना चाहिए, प्रोडक्ट को नहीं मूव करना। चलिए पहला शॉट हो गया, लेट्स टेक सेकेंड शॉट। सेकेंड शॉट में मैं इसका बैक लाइट देने वाला हूँ, सो मेरा ट्रेसिंग पेपर उस साइड होगा। दोस्तों ये शॉट अच्छा लग रहा है, बट जो एक्सपोजर है मुझे लग रहा है ओवर एक्सपोज हो रहा है शॉट, तो इसका एक हम लोग बैकअप के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके शॉट ले लेते हैं। दोस्तों ये वाला शॉट अपना मेन शॉट होगा। आप हम लोगों को क्या करना है, इसके लेबल को लाइट अप करना है, प्लस इसकी कैप को हम लोगों को सेपरेटली लाइट अप करना पड़ेगा। अब लेबल को लाइट अप करना है तो ऑफकोर्स लाइट अपना यहाँ से आना चाहिए, सो दैट लाइट गेट्स बैक इनटू द कैमरा। चलिए लाइट एडजस्ट करते हैं। दोस्तों मैंने कुछ लाइट एडजस्ट कर दी है, प्रेसिंग पेपर आ गया अपना, इसको थोड़ा पास मूव कर सकते हैं हम लोग। लाइट को थोड़ा पीछे मूव कर सकता हूँ मैं। दोस्तों ये लाइट की पोजीशन आप ठीक लग रही है मुझे, लाइट और ड्रेसिंग पेपर का 2 फीट का गैप है और जो अपना प्रोडक्ट और ड्रेसिंग पेपर का अराउंड 1-1.5 फीट है। तो चलिए एक शॉट लेते हैं। दोस्तों लेबल का ये शॉट मुझे ठीक लग रहा है, देखिए सिल्वर भी अपना काफ़ी अच्छा आ गया है। दोस्तों अब कैप की हम लोग बात करते हैं, कैप का, क्योंकि अगर आप मैं बॉटल को ऐसे सीधे रखूँ तो जो कैप में लोगो है, जो प्रिंटेड लोगो है, वो थोड़ा सा राइट की तरफ है। तो कैप मुझे, जब मैंने इस तरह से फोटो को शूट किया था तो कैप का जो लोगो है वो प्लेसमेंट ठीक नहीं आ रहा है। सो अब मैं कैप को सिर्फ शूट करूँगा और इस हिसाब से शूट करूँगा कि ये सेंटर में रहे, इसमें जो लोगो प्रिंटेड है वो सेंटर में रहे। दोस्तों कैप का ये एंगल मुझे ठीक लग रहा है, तो चलिए लाइटिंग एडजस्ट करते हैं। दोस्तों जो प्रोडक्ट की जो कैप है वो ग्लॉसी है और मैं लाइट को कुछ ब्लॉक करने जा रहा हूँ जिससे कि यहाँ से कट आ जाए और वो कट अपना प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट हो, सो दैट ये लगे कि जो प्रोडक्ट का कैप है वो ग्लॉसी है। लेट्स ट्राई दिस शॉट कुछ हम लोग। आई थिंक ये मुझे ठीक लग रहा है, एक शार्प कट आप देख सकते हैं वहाँ पर आ रहा है। लेट्स टेक अ शॉट, पहले मैं ऐसे ही लेता हूँ।
अब इसको मैं ब्लॉक करके एक शॉट लेता हूँ। चलिए दोस्तों लाइट को उस साइड मूव करते हैं, उस साइड का शॉट लेते हैं। दोस्तों लाइट आ गई अपनी इस साइड, लेट्स टेक ए शॉट। दोस्तों कैप का मुझे ये शॉट अच्छा लग रहा है। दोस्तों ट्रेसिंग पेपर का पोजीशन देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है, जिससे कि अपना ये एक स्ट्रेट लाइन बॉर्डर पे आ रहा है। अब इस साइड के लिए थोड़ा मैं रिफ्लेक्टर यूज करने जा रहा हूँ, ये एक्रेलिक शीट। चलिए एक शॉट लेके देखते हैं। दोस्तों बॉटल कैप के लिए मुझे ये शॉट अच्छा लग रहा है विद द रिफ्लेक्टर। अपना शॉट कंप्लीट है। अब मैं चाहता एक चीज़ और चाहता हूँ, एक तो मैं बैकग्राउंड अलग से शूट करूँगा जिसको मैं बाद में रिप्लेस कर सकूँ, और दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ एक ग्लास रख के एक ग्लास का भी शॉट ले लूँ। चलिए एक विस्की का ग्लास रख देते हैं और फिर बाद में हम लोग फोटोशॉप में वो कॉम्पोजिट कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट शॉट अपना ग्लास आ गया। नेक्स्ट शॉट के लिए लाइटिंग सेम रखी है मैंने जो कैप के लिए रखी थी, लेट्स टेक ए शॉट। नाउ ये जो शॉट लिया मैंने सिर्फ इस साइड के लिए लिया है। नाउ बैक के लिए दूसरा लाइट करते हैं और बैक का शॉट लेते हैं। दोस्तों जो बॉटल शॉट लिया था उसके सिमिलर लाइटिंग रख रहा हूँ इसके लिए। ओके दोस्तों ग्लास के अपने दो शॉट आ गए। थर्ड शॉट जो इस साइड से लाइटिंग का था उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, और दो शॉट से हम लोग थर्ड का थोड़ा बहुत लाइटिंग अगर डिफरेंस आ रहा है वो फोटोशॉप में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। चलिए ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एक चीज़ और करने जा रहा हूँ मैं, ये जो बैकड्रॉप है इसका मैं सेपरेट शॉट लेने जा रहा हूँ, सो दैट नीचे का अगर हम लोगों को कुछ चेंज करना हो या इसके बैकड्रॉप भी ये वुडन टाइप का डालना हो तो वो हम लोग फोटोशॉप में मैनेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था फोटो पाठशाला का आज का चैप्टर। हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स फोटोशॉप में डालने पड़े, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूर हो गई फोटोशॉप में, बट जो आउटपुट अपना निकल कर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज आ गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम में फ़ोटो पाठशाला नाम से हूँ, फेसबुक पे एक पेज है फ़ोटो पाठशाला नाम से ही, आप लोग दोनों जगह मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।